ई एवरी वन वेलकम टू नवनीत आई एस अकेडमी सो हम यहाँ पे जो है क्लास एट की एन सी ई आर टी जो है जोग्राफी जो की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है थर्ड चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था सो इट इज अबाउट द रिसोर्सेज राइट एंड हम यहाँ पे जो है मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे एंड जो आपके पावर रिसोर्सेज है उनके बारे में बात कर रहे थे राइट right? तो अब तक हम यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जो है हर एक चीज को जो है कवर कर चुके हैं एक्चुअल में जो है मिनरल रिसोर्सेज होते क्या है मिनरल्स क्या होते हैं वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं अब तक एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव आपके लिए तो ये वाला जो टॉपिक है आपका मेंस का वो यहीं से जो है आपका कवर हो जाएगा तो आपको जो है कुछ और एक्स्ट्रा चीज जो है वो कवर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर दिस टॉपिक राइट रिसोर्सेज के लिए तो आज हम यहाँ पे जो है ना इसी चैप्टर को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे तो आज हम बात करेंगे अबाउट द पावर रिसोर्सेज तो पावर रिसोर्सेज जो है होते क्या है कितने टाइप के होते हैं राइट right? वो चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो है ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसपे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड लिंक जो है इसका वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूं डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो सो लेट स्टार्ट द टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर तो अब हम यहाँ पे जो है ना जो पावर किस तरह से जनरेट होती है हमें कौन कौन से रिसोर्सेस से जो है पावर मिलती है राइट वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक के लिए जो है ना एक स्टोरी जो है वो यहाँ पे दे रखी होती है सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक स्टोरी जो है इन्होंने दे रखी हुई है तो क्या है सन्नी की जो मदर है वो वो अपना जो डेली का जो दिन है वो किस तरह से स्टार्ट करती है सुबह उठती हैं, फिर उठ के पहले वो गीजर का जो स्विच है वो ऑन कर देती हैं। उसके बाद में सन्नी की जो स्कूल यूनिफॉर्म है जो है वो एक तरह से आयरन करती हैं एंड फिर उसके बाद में किचन में जाती हैं एंड फिर जो है सनी के लिए वो एक ऑरेंज जूस का ग्लास बनाती है ब्लेंडर के साथ एंड फिर उसके बाद में जब सनी जो उठ जाता है फिर उस पूछती है वो सनी को पूछती है उसकी मदर मदद आपने जो है बात ले लिया है देन अगर बात ले लिया है तो ब्रेकफास्ट कर लो आके एंड फिर क्या होता है गैस स्टोव पे जो है ना वो सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो तब बनाते बनाते जो है वो ये चीजें सनी को पुरती है So, जब स्कूल में जाते वक्त जो सनी है वो लाइट्स एंड फैंस को जो है ना स्विच ऑफ करना भूल जाता है तो फिर जब उसकी मदर जो है वो फिर उन्हें स्विच ऑफ करती है तो वो फिर जो है उसके माइंड में ये चीज आती है डैड की लाइफ जो है ना सिटी में वो काफी कंफर्टेबल है बट हम जो है ना हम ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं इन सभी गैजेट्स के ऊपर एंड जो सारे गैजेट्स जो है ना एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एंड इसी कंजप्शन की वजह से जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है बट जो सप्लाई है ना वो कम होती जा रही है दिन बर दिन राइट right? क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से जिस लेवल पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उतने लेवल पे हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो नहीं है तो गैप जो है ना यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बीच में वो बढ़ता जा रहा है सो so, आपको पता ही है डेट की पावर एंड जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो हमें जो है ना हर एक चीज के लिए अगर आज के टाइम की बात करें तो हर एक चीज के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड डिफेंस में भी तो अगर हम पावर रिसोर्सेज की हम बात करें आज तो इन सभी में तो यहाँ पे पावर की ही जरूरत पड़ती है तो ये पावर हमारे पास कौन से रिसोर्सेज से आती है कहाँ से आती है उन रिसोर्सेज को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो पावर रिसोर्सेज है ना उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक होते हैं हमारे पास कन्वेंशनल दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल का मतलब हो गया कि जिन रिसोर्सेज को हम जो है काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं बहुत ही पुराने टाइम से हम जिन्हें यूज करते आ रहे हैं राइट एंड नॉन कन्वेंशनल हो गए जो कि इसे हम कुछ ही समय से यूज कर रहे हैं तो दो पार्ट में है आज हम यहाँ पे पहले कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है ना उनके बारे में ही कवर करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है उन्हें कवर करेंगे राइट right? सो so, आपको जैसे बता ही चुकी हूं कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम जैसे काफी लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फायरबुड हो गई फॉसिल फ्यूल हो गई ये दो मेन जो है ना कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिन्हें हमें काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो फायरवुड जो है उसे हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं हीटिंग के लिए यूज करते हैं एंड अगर विलेजेस की बात करें तो वहां पे मोस्टली जो एनर्जी है ना 50 परसेंट मोर देन 50 परसेंट जो एनर्जी है ना वो कहाँ से आती है वो इन्हीं के फायरवुड का ही वो यूज करते हैं राइट फायरवुड से ही जो है ना वो एनर्जी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे रिमेस्ट होते हैं प्लांट्स के एंड एनिमल्स के जो की काफी लंबे समय पहले धरती के अंदर जो है बरी हो जाते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स तक जो है वो बरी रहते हैं फिर हीट एंड प्रेशर की वजह से

तो फॉसिल फ्यूल सच कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो जो है ये हमारी जो है है ये मेन कन्वेंशनल एनर्जी के सो so, इनके जो मिनर इन मिनरल्स के जो रिजर्व हैं वो काफी लिमिटेड हैं एंड जिस रेट पे हम इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो काफी फास्ट रेट पे यूज कर रहे हैं तो ये जल्दी ही एग्जॉस्ट होने वाले हैं फिर देखेंगे हम इधर उधर सो so, कॉल के बारे में बात कर लेते हैं ये हमारे पास अभी तो काफी एबंट मात्रा में अवेलेबल है इसे जो है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्रीज हैं फिर स्टीम इंजन में यूज किया जाता है एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कोल को यूज किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कोयले से बनती है ना उस इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मल पावर का नाम देते हैं राइट right? जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कोल से बनती है उसे हम थर्मल पावर का नाम देते हैं तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम्स राइट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर सो द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे मिलियंस ऑफ अगो. जिस कोयले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं न, वो मिलियंस ऑफ अगो यहाँ पे बना था एंड जैसे कि आपको बताया है कि जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर एनिमल रिमेन्स होते हैं ना जब वो बरिड हो जाते हैं धरती के अंदर, तो काफी मिलियन ईयर्स के बाद में जो है ना हीट एंड प्रेशर की वजह से ये फोस्ल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो फर्न यहाँ पे लिख रखा है ये भी एक टाइप है प्लांट की एंड स्वैंप्स जो हो गई यहाँ पे एक तरह से मार्शी एरियाज़ होते हैं दलदल वाले एरियाज़ होते हैं काफी तो वो जो है ना एक तरह से लेयर जो होती धरती की, की, हो हो तो की वजह से जो है ना कोल को हम जो है बरेड सनशाइन के नाम से भी जाते हैं तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में चाइना यूएसए जर्मनी रशिया साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस एंड इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रानीगंज झरिया धनबाद झारखंड जो जो में है तो ये हमारे इंडिया में है मेन प्रोड्यूसर्स को सो नेक्स्ट so है हमारे पास पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जैसे आपकी कार्स जो है वो रन करती है जिसे हम यूज करते हैं एंड इवन ऑयल जो कि आपके साइकिल को जो है स्वीक रखता है तो वो जो है ना बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड दी पेट्रोलियम तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है काफी थिक होता है काले रंग का राइट जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं ना उसी से ये पेट्रोल एंड जो ऑयल है ना रिफाइन वगैरह करके उसे बनाया जाता है तो इट इज फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स तो जो रॉक्स होती है ना उसकी लेयर्स के बीच में जो है ना इसे पाया जाता है एंड फिर इसे जो है ना एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल दील्ड्स जो ऑयल फील्ड्स होते हैं ना वहां से इसे ड्रिल किया जाता है निकाला जाता है एंड ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं मोस्टली जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना जो ऑफ होते हैं वहीं पे इन्हें पाया जाता है पेट्रोलियम को फिर वहां से निकाल के इसे फिर रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है विच प्रोसेस दी क्रूड ऑयल तो ये अभी जो ऑयल निकाला जाता है ना ड्रिल करके ये क्रूड होता है रफ होता है रो होता है ये तो फिर इसे प्रोसेस किया जाता है तो इसे प्रोसेस करके ना फिर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं जैसे कि डीजल पेट्रोल कैरोसिन वैक्स प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स जो है वो इससे बनाई जाती है तो ये चीजें भी आपके याद में रखने वाली हैं सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड दी ब्लैक गोल्ड तो ये जो पेट्रोलियम है एंड इससे जो भी चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं ना इसके जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि डीजल पेट्रोल कैरोसिन हो गया वैक्स हो गया प्लास्टिक्स हो गई ल्यूब्रिकेंट्स हो गई तो इसे हम जो है ना ब्लैक गोल्ड का नाम देते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए तो चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं आयरन सॉरी ईरान इराक सऊदी अरेबिया एंड कतर उसके अलावा यूएसए रशिया वेनेजुएला एंड अल्जीरिया में भी जो है ये पाया जाता है एंड अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिगबोई इसाम में बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्ट ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स यहाँ पे पाया जाता है तो ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ था ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक राइट पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड फिर उसके बाद में ओलियम जिसका मतलब है ऑयल राइट right? तो आपको ये यहां से पता चल गया होगा कि ये जो है रॉक्स के बीच में पाया जाता है इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक सो द पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल तो इसे हम जो है रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं राइट पेट्रोलियम मीन रॉक ऑयल सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इट इज फाउंड विथ द पेट्रोलियम डिपोजिट्स जो पेट्रोलियम डिपोजिट्स होते हैं ना वही पे ही हमें यहाँ पे नेचुरल गैस मिल जाती है एंड इस रिलीज क्रूड ऑयल इज ब्रो टू सरफेस, जब क्रूड ऑयल होता है ना उसे हम ड्रिल करके सरफेस के ऊपर लेके आते हैं है वो भी रिलीज होती है जो कि नीचे धरती में ही हमें मिलती है रॉक्स में ही हमें मिलती है तो पेट्रोलियम के साथ ही होती है ये भी नेचुरल गैस होती है जब जो क्रीड ऑयल है उसे बाहर निकाला जाता है ना उसी समय में जो नेचुरल गैस है वो भी रिलीज होती है तो इसे हम जो है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं रशिया नॉर्वे यूके एंड नीदरलैंड जो है ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके इंडिया में जैसलमेल कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा एंड कुछ ऑफशोर जो एरियाज है मुंबई के वहां पे ये पाए जाते हैं सो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन तो पूरी एक तरह से ना कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की वहाँ पे काफी कम जो है ना नेचुरल गैस रिजर्व्स जो है वो पाए जाते हैं बहुत ही कम कंट्रीज में है इसके रिजर्व्स तो यहाँ पे बट इन फॉसिल फ्यूल्स की जो कंजप्शन है वो काफी इंक्रीज कैसे हो रही है तो हमें जो है ना ये एक अलार्मिंग रेट पे हो रही है एंड इवन जब हम इनका यूज करती हैं, इन फ्यूज को हम जब बर्न करते हैं ना इससे कई सारे टॉक्सिक पोलिटेंट्स भी जो है निकलते हैं जो कि कंसर्न का एक कॉज भी है तो अब क्या होता है कि दिस हैड लेड टू टू द टैपिंग ऑफ ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी दैट आर क्लीनर दिसलर तो जब आप जो है ये लोग सोच रहे हैं कि ये खत्म होने वाले हैं तो इसे हम जो है अलार्मिंग रेट पे यूज कर रहे हैं तो लोग जो है ना आप किस तरफ जो है जा रहे हैं जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है ना हमारे फॉसिल फ्यूल्स के जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं उसकी तरफ जो है ये लोग अब निकल रहे हैं ओके चुरल so, गैस या फिर सीएन जी जिसे हम बोलते हैं इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है ये एज इट कॉजेस पोल्यूशन देन देट्रोलियम एंड द डीजल राइट तो सी एन जी जो है ये ज्यादा इको फ्रेंडली है इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है देन दी पेट्रोलियम एंड द डीजल राइट नेक्स्ट हो गया आपका हाइड्रल पावर सो हाइड्रल पावर जो है वो आपको पता ही होगा किस तरह से जो है यहाँ से पावर जनरेट होती है पानी के थ्रू जनरेट होती है रेन वाटर यहाँ पे जो इकट्ठा किया जाता है फिर रिवर वाटर जो होता है जो डैम्स में स्टोर किया जाता है तो इसे जो है ना काफी हाइट से फिर नीचे गिराया जाता है तो नीचे क्या होता है यहाँ पे वो जो है गिरता किस तरह से उसमें जो है पाइप लगाई जाती हैं तो फिर उन पाइप्स के बाद में यहाँ पे जो है ना नीचे टर्बाइन ब्लेड्स होती हैं उन टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर ये पानी जो है ना वो गिरता है जब पानी गिरता है तो फिर वो ब्लेड्स जो है वो फिर घूमते हैं राइट वो रोटेट करते हैं मूव करते हैं तो जब वो रोटेट करते हैं ना फिर वो क्या करता है उसी उसकी उन ब्लेड्स के थ्रू जो है ना क्या होता है कि जनरेटर जो है ना वो टर्न ऑन हो जाता है यहाँ पे तो वो जो जनरेटर है ना फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है इसे हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं राइट सो वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो उसके बाद में जो वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है उसे फिर इरिगेशन पर्पज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है तो पूरे वर्ल्ड की जो वन फोर्थ पार्ट की जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रिसिटी वो हाइड्रो पावर से ही बनाई जाती है प्रोड्यूस की जाती है लीडिंग पावर कौन है कौन से हैं इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं हाइड्रल पावर के वो है पैराग्वे नॉर्वे ब्राजील एंड चाइना एंड इंडिया की बात करें भाखरा नंगल गांधी सागर नागार्जुन सागर एंड द वैली प्रोजेक्ट्स हो गए इंडिया में एंड नॉर्वे नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड टू डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए राइट right? नॉर्वे जो है इट वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आपका जनरेटर है एंड ये आपका वॉटर रिजर्वर है एंड ये पाइप लगी हुई है राइट right? एंड ये काफी हाइट पे है काफी हाइट से जो है यहाँ से पानी जो है वो गिराया जाता है ये आपके ट्रबाइन है एंड जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये टर्बाइन घूमेगी तो इसके थ्रू जो आपका जनरेटर है वो जो है फिर चलेगा यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है फिर इस पानी को फिर ये जो पानी है इधर निकल जाता है इस पानी को हम जो है फिर इरीगेशन के पर्पज के लिए जो है यूज करते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे जो है जो डिफरेंट आपके रिसोर्सेज हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो दे रखे हैं आपकी एन में तो ऑयल के एंड नेचुरल गैस के जो डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेज है ना वो कॉमन है राइट right? तो वो देख लेते हैं पहले ऑयल के देख लेते हैं ऑयल के एडवांटेजेस क्या है ट्रांसपोर्ट करना ईजी है ऑयल को टैंकर में भर के लेके जाते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उसका बेस है ऑयल एंड नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इसे भी जो है ना ट्रांसपोर्ट करना नेचुरल गैस को काफी ईजी है पाइपलाइन के थ्रू इसे जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ऑयल एंड जो कोल है ना उससे काफी क्लीनर है एंड इवन ऑयल से जो है ये सस्ता भी है अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जब कभी यहाँ पे ऑयल स्पिलेज होती है ना ऑयल पे लीक हो जाता है, निकालते हुए समुद्र से ही या फिर गैस लीक होती है ना इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है ना वो डिप्लीशन उसकी यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे एटमोसफेयर में तो इससे जो पॉलिटेंट्स जब हम जो है ना ऑयल एंड नेचुरल गैस को यूज करते हैं तो इससे कई सारे पॉलिटेंट्स जो है ना वो भी रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ना एसिड रेन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो एसिड रेन की वजह से आपको पता ही है कि क्या क्या इफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारे जो भी चीजें हैं यहाँ पे उसके ऊपर काफी गलत इफेक्ट्स इसके पड़ते हैं ताजमहल अगर आप देखें तो वहां का जो संगमरमर है वो येलो सा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है वो इसी एसिड रेन की वजह से हो रहा है सो so, ऑब्वियसली नया फाइंड करना न्यू फा, जो फ्यूल है अगर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑयल या फिर नेचुरल गैस तो इसको एक्सप्लोर करना नई जगह पे वो इट इज नॉट इजी तो ये जो है ना नए जो है मिलने फ्यूल नई जगह पे एक्सप्लोर करना वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है सो so, नेक्स्ट हो गया आपका फायरबुड उसकी एडवांटेजेस होगी इजीली असेस हो सकती है ये एंड एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करवाती है डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कलेक्शन जो है इसकी इसे अलग अलग जगह से कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग है पोल्यूशन भी क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है है प्रमोट करता ये एंड फायरवुड की वजह से डिफोरेस्टेशन तो होगा ही जब लकड़ी काटेंगे तो डिफोरेस्टेशन तो यहाँ पे होता ही होता है नेक्स्ट अगर कोयले की बात करें तो काफी ज्यादा मात्रा में अभी, अभी अवेलेबल है ये एंड एफिशिएंट कन्वर्जन टू द इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है एंड ट्रांसपोर्ट करना भी इसे काफी ज्यादा बल्कि होता है हाइड्रिल पावर की बात करें नॉन पोल्यूटिंग है एंड एक तरह से इरिगेशन एंड फिशिंग को जो है ना ये प्रमोट करता है एंड काफी सस्ता भी है डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जहां पे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं ना वहां से फिर लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना पड़ता है तो वो भी काफी गलत चीज है एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप तो इसे सेटअप करना भी काफी ज्यादा जो है एक्सपेंसिव है काफी पैसा लगता है इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट right? तो ये आपके लिए एक प्रॉपर जो है ना प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं न, एक तरह से आपके, आ, यही से एनसीई आर टी से ही फॉर योर मेन्स परसपेक्टिव राइट तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो है उसे कवर करेंगे एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर sure करना ना भूलें एंड डोन्ट फोरगेट टू सब्सक्राइब माईज चैनल ऑल्सो Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.